नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं हमारा आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। हम बता दें कि ये जो खबर निकल कर आ रहा है ये मानदेय वृद्धि और प्रोत्साहन राशि के संबंध में जो है कि खबर निकल कर आ रही है। तो हम आपको बता दें कि एक कैबिनेट के बैठक में जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो हम आपको खबरों की तरफ ले चलते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा ट्वीट किया हुआ कि आज कैबिनेट बैठक के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कोरोना काल में सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाली प्रदेश की 33,297 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र की गई है। इन्होंने बताया कि जो है कि 33,297 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से जो है कि ट्रांसफ़र कर दी गई है। यही मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कि ट्वीट करके बताया जा रहा है कि कितना किसके मानदेय में जो है कि वृद्धि किया गया है और कितना जो है कि ट्रांसफ़र किया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कैबिनेट द्वारा मानदेय वृद्धि हेतु लिए गए निर्णय, आशा कार्यकर्तियों के बैंक खाते में न्यूनतम मानदेय 6500 रुपया दिया जाएगा। मानदेय के अंतर्गत 1,000 रुपये और प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि मानदेय के अंतर्गत जो है कि 1,000 रुपये और प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है कि 500 रुपये दिया जाएगा आशा कार्यकर्त्री को। यहीं नीचे बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय में यथोचित वृद्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय में यथोचित वृद्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। यही नीचे बताया जा रहा है कि उपनल से संबंधित कार्मिकों के मानदेय में 2 स्लैब और अंतर्गत वृद्धि की गई है। 10 वर्ष से कम कार्मिकों के मानदेय में 2,000 रुपये प्रति माह और 10 वर्ष से ऊपर कार्मिकों के मानदेय में 3,000 रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में वृद्धि की जाएंगी। यानी बताया कि जो 10 वर्ष तक काम कर रहे हैं उनके मानदेय में 2,000 रुपये और 10 वर्ष से ऊपर से जो काम कर रहे हैं उनके मानदेय में 3,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। यहीं ये ट्वीट देख रहे होंगे, एक जो है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि प्रदेश में 33,297 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खाते में भेजे गए 40 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, प्रत्येक के खाते में 12,000 रुपये का दिया गया बोनस। इन्होंने बताया कि प्रत्येक के खाते में जो है कि 12,000 रुपये का बोनस दिया गया है। 33,297 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खाते में 40 करोड़ रुपये जो है कि DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। जिन आंगनबाड़ी बहनों के खाते में अभी नहीं आया है वो जो है कि अपना खाता जाकर चेक करा लें, उन सभी बहनों के खाते में जो है कि कल का ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बहनों तक जो है कि इसको शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बहनों तक ये खबर जो है कि पहुंच सके।